इस बीमारी के कारण भर्ती किया गया, पर इलाज ठीक से न होने के कारण राजपाल की 15 मई को उसकी मृत्यु हुई। सभी कर्मचारियों का यह कहना है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही की वजह से राजपाल की मृत्यु हुई और यह कर्मचारियों के साथ हुई पहली घटना नहीं है। इसको रोकने का और निषेध करने को शिवसेना और हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने आज मोर्चा निकाला। उन्होंने हॉस्पिटल के डीन से भी मिलने की कोशिश की पर वह मिले नहीं। हमारे पत्रकार ने डीन से बात करने की कोशिश की पर वो कैमरा के सामने कुछ बोलने से इनकार किया। आज हम लोग यहाँ पे जो मोर्चा लेके आए उसका कारण यही था, एक तो इस अस्पताल का एक कर्मचारी राजपाल ढकोलिया करके, उनका संडे को डेथ हो गई। डेथ कैसे होगी, क्या हो गया, वो कुछ भी मालूम था, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हमारे पास नहीं है। और इसलिए पूछने के लिए हम लोग ये रुग्णालय प्रशासन को पूछने के लिए आए कि उसका डेथ का कारण क्या है, क्यों मर गया, कैसे मर गया, हमको पता चलना चाहिए। जो कामगार इस अस्पताल में गए 25 साल से काम कर रहा है, उसके बारे में अगर ऐसा हादसा होता है तो इसलिए हम लोग सब शिवसेना के हम पदाधिकारी, हमारे MLA साहब यहाँ पे हैं, हम लोग ने प्रशासन को यही पूछा कि हमको बता दीजिए क्या हो गया। और गए कुछ सालों से इस अस्पताल में जिस तरह से काम चल रहा है, यहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है, यहाँ पे पैथोलॉजी नहीं है, यहाँ पे सुलभ शौचालय का कोई निर्माण नहीं किया, ऐसे बहुत सारे है। सोनोग्राफी सेंटर में आप जाइए, वहाँ पे दो दो तीन तीन घंटा वहाँ पे रुकना पड़ता है। इस तरह से जो रुग्णालय का अगर काम चलता है तो उसको पूछने वाला तो कोई चाहिए ना। इसलिए शिवसेना के माध्यम से हमारे MLA, हमारे सब शिवसेना के पदाधिकारी, हमारे शाखा प्रमुख हम लोग से और हमारे रुग्णालय के सब कर्मचारी वाले, ये लोग सब हम लोग साथ लगे आज यहाँ पे मोर्चा का आयोजन किया। अभी हम लोग ने हमारे जो हम लोग की मांग थी, इसमें जो सुधार न करना है, इसके लिए हम लोग जो एक्टिंग डीन थे मौलिक मैडम, उनको हमने निवेदन दिया है अगर महीना भर में इसमें कोई भी सुधार नहीं होता है तो हम लोग ने आज ये जो मोर्चा हम लोग लाए, हम लोग ने ये देखा है कि ये रुग्णालय है, अस्पताल है, यहाँ पे ज़्यादा हम लोग को कुछ करने की है नहीं, मगर ये लोगों के लिए जो सुविधा होनी चाहिए वो अगर नहीं मिलेगी तो हम लोग इससे भी बढ़ के और एक महीने के बाद में हम लोग उनको हमने अभी चेतावनी हमने दिया ये करो। आक्रामक आंदोलन हम लोग का यही रहेगा कि देखिए लोगों को यहाँ पे जो एडमिट होने वाले जो रुग्ण हैं उनको अच्छी तरह से सेवा मिलनी चाहिए। बहुत सारे जगह पे भी यहाँ पे कमर्शियल चालू है, ये डीन जिस तरह से काम यहाँ पे कर रहा है, ना तो कोई लोगों से बात कर रहा है, पेशेंट के कोई रिलेटिव आते हैं उनको कभी मिलता नहीं है। अस्पताल में जो भी हमारे नर्सेस काम करें, नर्सेस को अगर कोई प्रश्न है तो उनको मिलने के लिए जाएगा वो डीन पहले से पुलिस को बुला के रखती है, उनको एंटर नहीं करते, अंदर जाने के लिए देते नहीं है, उनका सुनते हैं। जब कर्मचारी की बहुत सारी संगठना यहाँ पे है तो इसीलिए कर्मचारी संगठन का निर्माण क्यों होता है कि जो कर्मचारी के जो प्रश्न है उनके जो जवाब है उसका जवाब मिलना, उनके जो प्रश्न है उसका जवाब मिलना चाहिए। तो उनको भी अगर उनको मिलने के लिए अगर इन लोग ने पाबंदी लगा दी है तो ये कैसा अस्पताल है। इसलिए मर्चेंट को यहाँ से हिलना चाहिए, मर्चेंट को हम लोग अगर इन लोग नहीं इसके ऊपर कुछ लेंगे तो एक महीने के अंदर हम मर्चेंट के बारे में सोचेंगे। अभी जैसे आपको इन पब्लिक को नहीं जाने दिया तो सामने मैडम को आना चाहिए ना, उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल हम लोग उनको यही बोलना बड़ा मुद्दा लेके चल रहे हो। बिल्कुल हम लोग अभी एक्टिंग डीन जो मौलिक मैडम है उनको यही कहा कि आपको जो भी कहने का है आप लोगों के सामने कर्मचारियों के सामने आके आप बात करें ना, मगर वो एबल नहीं है, एक बात करने के लिए उनकी कोई क्षमता नहीं। और इसलिए हम लोग ने बोले कि आप आपके डीन आ जाएंगे तो हम लोग को बुलाइए, हम लोग बैठेंगे चर्चा करेंगे और जितने भी हमने ये 6 मुद्दे जो रखे हैं उसके ऊपर हम लोग को जवाब चाहिए। आयन हॉस्पिटल जो बना है वो हमारे सब पूर्व उपनगर के लिए बना है, तो मैं तो चेंबूर का तो आते रहते हैं। अभी हमारे सातमकर साहब ने जो मुद्दे उठाए हैं वो पहला मुद्दा ये है कि जो लेडीज जो प्रेग्नेंट है उसको 3-3 घंटा बिठा के रखते हैं और सोनोग्राफी के लिए जो पानी पिलाता है और पेट भरा ले रहता है, तो 3-3 घंटा बेचारे को भूख लगता है, पेट में बच्चा है उसको कितना तकलीफ हो रहा है। वो उसके लिए आवाज़ उठा रहा है कि बाबा कम से कम सोनोग्राफी मशीन तो बढ़ाओ, तो उधर का जो दादागिरी करने वाले है जैसा मर्चेंट जो दादागिरी करते हैं तो उसके साथी जो डॉक्टर है वो भी दादागिरी करते हैं, वो जो प्रेग्नेंट भाई है उससे दादागिरी करते हैं, उससे दावे करने मतलब गए। वो बेचारे पेट में बच्चा लेके तुम्हारे पास आई है, अगर वो पैसे वाली रहती तो थोड़ी हॉस्पिटल में आती है। उसके लिए सतम का साहब ने आवाज़ उठाया है। अभी क्या है वो भाग गया ना वो अपना मर्चेंट, अभी वो बेचारी भाई को सामने रखा है, अभी शिवसेना आई है वो भाई के साथ में क्या बात करेगी, जो बात करने के वाला था वो भाग गया, उसको जो जवाब कर देने का था वो भाग गया, अभी बात करने का कोई ये नहीं, वो भाई से क्या बात करेगा। हम लोग तो निवेदन देखे आए साहब के साथ में, हम लोग निवेदन देखे, अभी देखेंगे 8 दिन में क्या बोलते हैं, देखेंगे।
नहीं तो मर्चेंट को तो हम लोग देखते हैं क्या करने का, उसके उसे का स्टाइल में देखेंगे हम लोग। वैसे स्टाइल में इनका पिताजी गुजर गया है, एक्चुअली सातमकर साहब ने मुझे बताया कि वो जो सर्वन है उधर का सर्वन है, उसने नाक में जो नली डाला वो नली के वजह से वो मर गया है, लेकिन वो लापरवाही से मर गया है, लेकिन पब्लिक को दिखाने के लिए आईसीयू में लेके गया, वो गलत बात है, उसके लिए वो पूछने गया हो तो साला भाग गया, क्या करेगा अभी? अभी जो डॉक्टर थे उन्होंने सॉरी, तो उसके लिए अभी देखेंगे, मर्चर आने के बाद ही बात करेंगे हम लोग, देखते हैं। शनिवार की शाम को करीब 6:30 बजे जो इसी हॉस्पिटल का कर्मचारी था राजपाल ढकोलिया, वो उसको सही दवा ना मिलने की वजह से, सही उपचार ना मिलने की वजह से 6:30 बजे उसने अपना जो है दम तोड़ दिया। दम तोड़ने का कारण ये था कि हम खुद समाज के लोग हैं, हम उनके समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमने खुद डॉक्टरों से जाके चर्चा की, डॉक्टरों ने हमको उल्टा जवाब दिया कि आज हॉस्पिटल बंद है तुमको पता नहीं है, और एक भी सीनियर लेक्चरर से लेके और ऊपर का रजिस्टर तक कोई नहीं था, वहाँ एक सीखने वाला डॉक्टर था जिससे एक राइस ट्यूब भी डालने को नहीं आ रही थी, उस कारण से उस राजपाल ढकोलिया की मौत हुई डॉक्टरों के ना उपस्थिति में, और लापरवाही डॉक्टरों की पूरी लापरवाही हुई। हमारा आरोप है कि जिन डॉक्टरों की लापरवाही हुई उनको तुरंत सस्पेंड होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और हम निषेध इसलिए कर रहे और हम न्याय मांगते हैं कि आने वाला कोई भी कर्मचारी जो यहाँ पे कर्मचारी काम करता है उसको न्याय मिले, उसकी व्यवस्था हो, उसके दुख और दर्द को अच्छी तरीके से चेकअप किया जाए, ये हम यहाँ के प्रशासन से मांग कर रहे हैं। हमारा यही निषेध है, हम यही आरोप लगाते हैं कि जो कामगार 35 साल इस हॉस्पिटल को सेवा पहुँचाता है जब वो बीमार होता है तो उसके लिए ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? तो हम यही चाह रहे हैं कि हमारा यही विरोध है, यही निषेध है कि हमारे कामगारों को, हमारे वाल्मीकि समाज के सभी कर्मचारी जो किसी भी सफाई कर्मचारी या कोई भी कर्मचारी हो, हम सबके लिए यही मांगते हैं कि उनको अच्छा उपचार मिले, उनकी व्यवस्था, उनको आईसीयू में ज़रूरत पड़ने पर आईसीयू मिले, रूम खटिया मिले, उनको एक स्पेशल बेड हो कर्मचारियों के लिए। जब डॉक्टरों को स्पेशल बेड होता है तो कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं है? तो ये सब चीज़ों को लेकर के हम लोग मांग कर रहे हैं, और अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम आने वाले समय में इस आंदोलन को तीव्र करेंगे, हम इसको आगे तक बढ़ेंगे। आपको ये बताना चाहता हूँ एक दुख के साथ कि यहाँ 2 दिन पहले इन्फॉर्मेशन जानकारी पत्र व्यवहार किया गया था डीन साहब को, लेकिन आज यहाँ खुद डीन साहब उपस्थित ही नहीं है, वो चले जा चुके हैं। जो असिस्टेंट डीन है उनसे चर्चा हुई, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया कि मैं डीन साहब से चर्चा करूँगी और आगे बात करूँगी, तो वो हमें भरोसा नहीं है वो क्या, जब डीन साहब को खुद जानकारी थी कि भाई यहाँ लोग आ रहे मिलने के लिए, प्रतिनिधि लोग आ रहे, तो उन्हें रुकना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसकी वजह से वो चले गए, वो जवाब देने में सक्षम नहीं थे। तो डीन साहब भी आपकी ये जो परेशानी है या फिर समझ के नहीं लेंगे, आप उसके ऊपर कोई डॉक्टर के ऊपर एक्शन नहीं लेते, तो आपका अगला कदम क्या है? देखिए, अगर डीन साहब ने हमारी बात को नहीं सुना तो हमारे पास दूसरे रास्ते हैं, हम ऊपर जाएंगे, कमिश्नर तलक जाएंगे, राष्ट्रव्यापी में जाएंगे, राज्यव्यापी में जाएंगे, यहाँ पे हमारी जो सरकारें बैठी हैं वहाँ जाएंगे, आंदोलन तीव्र करेंगे, न्याय तो मिलना चाहिए, अगर यहाँ नहीं मिलता है तो हम आगे विरोध करेंगे उसका, ऊपर जाकर के जो हमारी महापौर हैं, जो कमिश्नर है, जो हमारे आज के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ तलक उसकी आवाज़ उठाएंगे, धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, वो कंसर्न करेंगे जो हमें लेके हम हक लेके मानेंगे।